नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज बनाने जा रही हूँ मैं मैंगो मिल्कशेक, जो पीने में बहुत टेस्टी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये बच्चे हों चाहे बड़े, सभी को काफ़ी पसंद आता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने एक आम लिया है, जिसके मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये 250 ग्राम का एक आम है। और एक मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर आम के पीस डाल देंगे और साथ ही हम इसके अंदर एक चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, मिल्क पाउडर ऑप्शनल है। अब हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे और साथ ही हम इसके अंदर थोड़े से काजू बादाम डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो आप इसे प्लेन भी बना सकते हैं। अब हम इसके अंदर शुगर डाल देंगे। 3 चम्मच मैं शुगर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका आम ज़्यादा मीठा है तो शुगर का यूज़ कम करें, मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। आम को चख लें, उसी हिसाब से शुगर का यूज़ करें। अब हम इसके अंदर 1 गिलास दूध डालेंगे। पहले हम 1 गिलास ही दूध डालेंगे ताकि ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ज़्यादा दूध डाल देंगे तो मिक्स नहीं होंगी, हम वापस से 1 गिलास दूध डालेंगे। और अब हम इसे ढक्कन लगाकर वापस से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। ये काफ़ी गाढ़ा है, मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं इसके अंदर 1 गिलास दूध का यूज़ और कर रही हूँ। और वापस इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने 1 कांच का गिलास लिया है। अब हम ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक गिलास के अंदर डाल देंगे। मैंने 1 गिलास दूध और डालने के बाद भी फ्रेंड ये काफ़ी गाढ़ा है, मैंने इसे ठंडा करने के लिए थोड़ी सी आइस क्यूब भी डाली थी। अब हम इसे काजू बादाम की कतरन से डेकोरेट कर देंगे, जिससे ये दिखने में सुंदर लगेगा। आप इसे टूटी फ्रूटी से भी डेकोरेट कर सकते हैं, इलायची पाउडर से भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पिस्ता भी डाला है, जिससे ये दिखने में सुंदर लगे। एक बार आप इस तरह से मैंगो मिल्कशेक ज़रूर बनाकर पिए, बच्चों और बड़ों को सभी को काफ़ी पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मैंगो मिल्कशेक की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।